ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल हुए 64 साल मुकम्मल हो गए। 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। ग्वादर डे के मुनासिबत से पाक बहरिया की जानिब से PNS अकरम में तकरीब, परचम पुशाई और सालगिरह का केक काटा गया। पाकिस्तान नेवी की जानिब से कोए बातिल पर PNS अकरम में ग्वादर की 64वें सालगिरह मनाई गई। इस हवाले से बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास पाक बहरिया के कमांडर वेस्ट कोस्ट रियल एडमिरल इम्तियाज अली थे। तकरीब के आगाज पर कोए बातिल पर परचम कुशाई किया गया। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की, जबकि बहरिया के बैंड ने मिल्ली नगमे पेश करके समा बांधा। 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर को मुल्क के उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने मस्कत ओमान से खरीद कर पाकिस्तान में शामिल किया था और गोए बातिल पर आज ही के दिन पाक बहरिया ने पाकिस्तान का कौमी परचम की कुशाई। दूसरी जानब ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए अंजुमन इस्लाह बलूचा नामी ग्वादर की मकामी तंजीम ने दस्तखती मुहिम चलाने के साथ साथ तंजीम के सेनेटर मोहम्मद इसहाक हुसैन अशरफ, रहीम बख्श सोहराबी, अब्दुल मजीद सोहराबी, यूसुफ मुजाहिद, मोहम्मद ईसा समेत कारकुनान और रहनुमाओं ने अपने ओमानी शहरियत वापस करके ओमानी पासपोर्ट भी जलाए थे, जिस पर ओमान मस्कत ने इंडियन अफर मुस्तरद करके ग्वादर का सौदा पाकिस्तान से कर लिया। और 8 दिसंबर 1958 को कोए बातिल पर पाक बहरिया ने पाकिस्तान का कौमी परचम लहरा कर ग्वादर को बाकायदा पाकिस्तान में शामिल किया। ओमानी इंतजामी तौर पर ग्वादर को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तकरीब में DIG पुलिस मकरान रीजन मुनीर अहमद शेख, डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज्जत नज़ीर, नामवर सियासी व समाजी रहनुमा मीर अरशद कलमती समेत और दीगरान शरीक थे।